दोस्तों, क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया के सबसे मजबूत लकड़ी के ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो सभी को पता है कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके नीचे आप कुछ भी रखते हो तो वो उसका कुछ ही सेकंड में कचुम्बर बना देता है। लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन से देश की लकड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बनी लकड़ी के ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों, जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस ब्लॉक पे पड़ता है तो ये दबने लगता है और लगभग 2.5 टन वजन पड़ते ही इसमें से पानी निकलने जाता है। चलिए अब चाइना में बने लकड़ी के ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। हालांकि इससे कोई खास उम्मीद तो है नहीं और दोस्तों हुआ वही, ये लकड़ी का ब्लॉक केवल 1 टन वजन पड़ते ही पूरी तरह से पिचक गया। चलिए अब हमारे प्यारे देश भारत में बने लकड़ी के ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे इस तिरंगे का थोड़ा सा भी सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में बताते जाना। और दोस्तों, भारत में बने लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस को 3 टन तक का वजन लगाना पड़ा।